करेंगे कुछ अन्य खबरों का जिक्र करेंगे। श्योपुर की बात करते हैं। श्योपुर के पास में ही चंबल नदी है। नदी में 365 दिन पानी रहता है। बावजूद इसके जिलों में पानी का संकट है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक जल संकट है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रचंड गर्मी ने एक तरफ जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ श्योपुर में पानी के संकट ने लोगों का जीना और भी दुश्वार कर दिया है। श्योपुर और विजयपुर के कई वार्डों में भीषण जल संकट है। पिछले चार दिन में लोगों ने दो बार नगर पालिका श्योपुर और नगर परिषद विजयपुर के दफ्तर पर प्रदर्शन किया, लेकिन पानी की समस्या का हल नहीं निकला। खास बात यह है कि जिले में चंबल, कूनो, क्वारी, पार्वती जैसी चार बड़ी नदियां हैं। इसके अलावा 10 से ज्यादा छोटी नदियां हैं, लेकिन लोग पानी के लिए परेशान हैं। जिले की हीरापुर ग्राम पंचायत के आसपास के करीब 15 गांवों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। गर्मी आते ही जिले के गिरधरपुर इलाके में पेयजल संकट गहरा गया है। स्थिति यह है कि गांव-गांव में हैंडपंप खराब हो गए हैं। नदियों का जल स्तर लगातार कम हो रहा है। ग्रामीण एक एक दो दो किलोमीटर का पैदल सफर करके पानी ढोने को मजबूर है। कई जगह तो नल जल योजनाओं के हाल भी बदहाल है। टंकियों में पानी नहीं भरा जाता और नल से पानी नहीं निकलता। इस वजह से भी लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। पेयजल की समस्या को लेकर पीएचई विभाग के अपने दावे हैं। नल जल योजना को लेकर विभाग का कहना है कि योजना पंचायत देखती है और समस्याओं का तुरंत निदान भी किया जाता है। कई बार टेक्निकल दिक्कतें आती हैं जिन पर कदम उठाया जाता है। जगह जगह हमने स्रोत करवाए हैं ताकि लोगों को पानी से निजात मिल सके। जहाँ वहाँ वाटर लेवल नीचे गया है, वहाँ हमने सिंगल फेस मोटर पंप डाल के व्यवस्था बनाई है। और जहाँ हमारे पास समस्या आ रही है, कहीं भी नल जल योजनाएँ विद्युत कारणों से प्रभावित हो रही है कि यहाँ 3 फेस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो विद्युत विभाग से हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके योजना को निरंतर रूप से चालू बनाए रख रहे हैं। यू योजना पंचायत को हैंड ओवर है, वहाँ संचालन में समस्या आ रही थी, तो रोज प्रति हफ्ते हम लोग वीसी के माध्यम से या फिर एक मीटिंग करते हैं जिला पंचायत की अध्यक्षता में, ताकि जिन पंचायतों में योजना नहीं चल पा रही है, चाहे स्टार्टर खराब होना हो, चाहे मोटर पंप खराब होना हो, चाहे लीकेज रिपेयरिंग ये रहते हैं, तो विभाग द्वारा कोऑर्डिनेशन करके उन योजनाओं को भी संचालित किया जाता है। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ ठीक ही है तो पानी की समस्या क्यों? समस्या योजना के सही तरीके से लागू करने को है, जमीनी हकीकत को समझने की है, साथ ही जल संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने की है। और ये जब तक नहीं होगा, पानी की परेशानी बनी रहेगी। दीपक दंडोतिया, News 18, श्योपुर। और अब बात भिंड की, जहां फूप कस्बे में दूषित पानी की सप्लाई का मामला गर्माता जा रहा है। यहां दूषित पानी से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बीमार हो गए, जिसके बाद नगरपालिका की तरफ से दूषित पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया था। तो वहीं जांच के दौरान पानी के सैंपल में कमी पाई गई। पानी के सैंपल में 175 मिलीलीटर नाइट्रेट और जीवाणु के अंश मिले हैं। वहीं इस मामले पर कलेक्टर का कहना है कि सैंपलों की जांच में भिन्नता आई है, उसकी जांच की जा रही है। कलेक्टर ने दूषित पानी से हुए 3 लोगों की मौत को सिरे से खारिज भी किया। कलेक्टर का कहना है कि मरने वाले तीनों किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मृतकों का पोस्टमार्टम आखिर क्यों नहीं किया गया। का इंफेक्शन निकला है, तो इसकी हम और जांच करते हैं, और यदि वहाँ पानी अभी भी कुछ दिक्कत है तो वहाँ पानी सप्लाई है उसे बंद करके उनको अन्य स्रोत से पानी दिया जाएगा। सही नहीं है कि मृत्यु 29 से हो रही है। 2 मृत्यु तो क्योंकि 10 तारीख जिस तारीख को पेशेंट आना प्रारंभ हुए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, उसके पूर्व ही हो चुकी थी। उनमें से एक का तो पूर्व का इतिहास है, मुरैना से बीमार चली आ रही थी बच्ची, और उसके मृत्यु भी 9 तारीख को हो चुकी थी। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला भिंड पहुंचे, जहां फूप में दूषित पानी से हुई मौत की घटना पर दुख जताया उन्होंने और मृतक के परिजनों से मुलाकात भी की, साथ ही परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और इसी दौरान जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और फूप नगर में गया था और वहाँ 5, 6 और 7 वार्ड हैं। अलग साहब भी हमारे साथ गए थे, पहले भी वे होके आए थे जी। और वहाँ 5, 6, 7 3 वार्डों में जी
दूषित पानी पीने से जो मौतें हुई उन सब परिवारों के बीच गए, सांत्वना देने गए, और जो भी शासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से जो भी इलाज में कुछ घायल भी हॉस्पिटल भी देखने गए, सब लोगों को कैसे मदद हो सकती है, किस तरीके से क्या है वो उसकी सब देखेंगे। छत्तीसगढ़ में बारिश शुरू होने से पहले रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं। इन दिनों नदियों से रेत खनन के काम तेजी से हो रहे हैं। आरोप है कि माइनिंग विभाग सब कुछ जानते समझते हुए भी खामोश बैठा है। रेत का काला कारोबार, अवैध स्टॉक के पहाड़, नॉन स्टॉप खनन, गहरी नींद में प्रशासन, नदियों का सीना रेत माफिया इन दिनों छलनी कर रहे हैं। नॉनस्टॉप अवैध रूप से रेत का खनन काम जारी है, बल्कि और तेजी से चल रहा है। इसकी वजह भी है, ऐसा नहीं है रेत की मांग बढ़ गई है, लेकिन रेत माफिया के लिए हाई टाइम है। तस्वीरें देखिए, यहां मैदान में रेत का भंडार है, ऐसा भंडार कि ये किसी नदी का किनारा लग रहा है। तस्वीरें जगदलपुर की हैं। दरअसल यहाँ अवैध रूप से रेत का भंडारण किया जा रहा है। अवैध भंडारण की वजह है बारिश। जी हाँ, दरअसल बारिश के दिनों में रेत के खनन का काम बंद हो जाता है। नदियों में पानी इतना ज्यादा होता है, साथ ही उनका प्रवाह भी इतना ज्यादा होता है कि रेत का खनन असंभव हो जाता है। ऐसे में रेत माफिया अपने धंधे को चलाने के लिए रेत को बारिश से पहले स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, जो नियम के मुताबिक गलत है। लोगों का कहना है कि ये सब कुछ माइनिंग विभाग की साठगांठ से होता है। हालांकि अवैध स्टॉक को लेकर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। जहां पे वैध भंडारण के लिए जो लाइसेंसेस जारी किया गया है, जो पहले से जारी हुआ है, उसको वहां पे भंडारण करने के लिए कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आपके माध्यम की तरह संज्ञान में आया है कि यहाँ पे अवैध भंडारण हुई है। मैं माइनिंग वालों को निर्देशित करूंगा कि जाके चेक करें, और अवैध अगर हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब रेत के अवैध खनन की एक और तस्वीर देखिए। तस्वीरें कांकेर के माहौत की हैं। यहाँ रात के समय खनन चल रहा है। ये तब हो रहा है जब पिछले दिनों विधायक ने रेत खदान पर प्रशासन के साथ छापेमारी की थी। मौके से तब दो चेन माउंटेन जब्त की गई थी, लेकिन कार्रवाई का रेत माफिया पर कोई असर नहीं हुआ। अवैध रूप से खनन अब भी जारी है। हालांकि कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उसमें बिल्कुल ये इस तरह का माफिया लोग अगर कुछ काम करे तो उसमें कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। जैसे पहले ही उसमें बंद था, उसी तरह से ही वो बंद रहेगा। जो नियम में है, नियम से ही चल रही है, उतने ही रेत खदान, क्योंकि रेत की थोड़ी आवश्यकता डेवलपमेंट वर्क को लगती है, उतने ही चलेंगे। बाकी सब बिल्कुल शत प्रतिशत बंद रहेगा। नहीं, गलत है, वो उसको कार्रवाई करेंगे। रेत के अवैध कारोबार के तार रसूखदारों से जुड़े हुए हैं। प्रशासन कार्रवाई करने का दावा तो करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, और ये बात कांकेर और जगदलपुर की घटना से बखूबी समझी भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भोपाल में मंत्रियों और विधायकों के लिए बनने वाले बंगले का विरोध अब तेज हो चुका है। लोग सड़क पर उतर आ चुके हैं। माननीयों के बंगले से पब्लिक आखिर नाराज क्यों है? बंगले से क्या है परेशानी, आइए जानते हैं। भीड़ से महिलाएं चिपकी हुई हैं, कुछ छोटे बच्चे भी हैं। ये लोग पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश तो दे ही रहे हैं, साथ ही मंत्रियों और विधायकों के लिए बनाए जाने वाले मकान का भी विरोध कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने भोपाल में करीब 2000
267 सरकारी बंगलों और मकानों को तोड़ने का प्लान बनाया है। मंत्रियों के लिए 30 बंगले, 16 फ्लैट और 230 विधायकों के फ्लैट के साथ 3,480 सरकारी अफसरों के बंगले और मकान बनाने की योजना है। शिवाजी नगर, तुलसी नगर इलाके में इस प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाए जाने हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो चुका है। स्थानीय पार्षद गुड्डू चौहान की अगुवाई में लोगों ने पेड़ से चिपक कर प्रोजेक्ट का विरोध किया। गुड्डू चौहान के मुताबिक अगर पेड़ कट गए तो पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। चिपको आंदोलन चालू हो रहा है, जिस प्रकार से राज शासन या मंत्रियों विधायकों को बगले बनाना चाह रहा है। और अब बात बैतूल के विजय की, उस विजय की जिसने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर खेती और बागवानी में मुकाम हासिल किया है। हर युवा की ख्वाहिश होती है कि वो इंजीनियर या एमबीए करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे, अच्छा खासा पैकेज मिले और किसी बड़े शहर या विदेश में जाकर सुविधा संपन्न जीवन जिए। लेकिन बैतूल के विजय पवार इस मामले में युवाओं के लिए मिसाल हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की और पुणे में रहकर एक बड़ी कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर काम भी कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से लाखों का पैकेज छोड़कर विजय अपने गांव दुनावा लौट आए और शुरू कर दी बागवानी। आमों की पौधे लगाए कोई एक दो नहीं बल्कि 1200। आज वे 30 से ज्यादा वैरायटी के आम बेचकर न सिर्फ लाखों की आमदनी ले रही हैं, बल्कि उन्होंने आम की एक ऐसी बकिया तैयार की है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। काफी सजेस्ट करता हूं कि आम के पौधे जरूर लगाने चाहिए, ताकि देखिए आम खाने के लिए भी हो जाते हैं और मिठास भी बनी रहती है ना। फायदा है, देखिए आम के रेट कभी भी डाउन नहीं होते हैं, है ना, आम में आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा। दरअसल विजय अपने गांव से कई किलोमीटर दूर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद पुणे में आईटी कंपनी में जॉब कर रहे थे। एक दिन अचानक उनके पिता की तबीयत खराब हुई, वे गांव लौटे। पिता के 17 एकड़ में की जाने वाली खेती के व्यवसाय को उन्होंने आगे बढ़ाया और जब उन्हें पता चला कि 17 एकड़ की जमीन से सिर्फ साल के 2-2.5 लाख रुपए की कमाई होती है, तो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा प्रयोग शुरू करते हैं। विजय ने अपने 17 एकड़ खेत में से 7 एकड़ में आम के अलग अलग वैरायटी के 1200 पौधे लगवाए और उनकी देखभाल शुरू कर दी। आज विजय हर महीने करीब 1 लाख रुपए कमाते हैं। विजय बगिया का ऑक्शन रखते हैं और यह ऑक्शन हर साल होता है। जो ऊंचे दामों पर बगिया के ठेके पर लेता है उसे बगिया के आम बेचने का अधिकार होता है। बगिया के मेंटेनेंस का जिम्मा भी ठेकेदार का होता है। इस बगिया से विजय को 10 से 12 लाख रुपए का सीधा मुनाफा हो जाता है, यानी हर महीने करीब 1 लाख रुपए, जो उन्हें आईटी कंपनी में भी नहीं मिल रहा था। विजय के अलावा उनके बगीचे को ठेके पर लेने वाले व्यापारियों को भी खासा मुनाफा हो जाता है। इसमें अच्छी अच्छी वैरायटी है, लंगड़ा है, दशहरी है, अम्रपाली का है और चौसा है, मालदा है, बहुत सी वैरायटी है इसी। 8 से 9-10 लाख बनना चाहिए। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी भी अच्छी है, वैरायटी सब अच्छी है। सर ऐसी बगिया तो अभी नहीं मिली मुझे। विजय की बगिया में लंगड़ा, चौसा, हापुस, दशहरी, सफेदा, मालदा जैसे आम होते हैं, साथ ही स्वर्ण परी और अल्फांसो जैसे आम भी हो रहे हैं, जो बैतूल जैसी जगह में दुर्लभ किस्मों में गिने जाते हैं। इसके अलावा कई और वैरायटी के आम भी हैं जिनकी अच्छी खासी पैदावार है। इस तरह से देखा जाए तो विजय ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिससे मौजूदा संसाधनों के उपयोग से वो हर साल लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। यह उन युवाओं के लिए मिसाल हैं जो अपने खेत खलिहान छोड़कर बड़े शहरों में नौकरी के लिए जद्दोजहद करते हैं। बैतूल से ऋषि नायडू की रिपोर्ट, न्यूज 18 के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।